हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑन क्लासेस। स्टूडेंट चैप्टर 10 हमारा चल रहा था और हम लोगों की रफ्तार बढ़ानी होगी, तो चैप्टर 10 हम का टॉपिक है डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग डिस्काउंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। डिस्काउंट होता है एज यू न्यू एज यू स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट और गेन के बारे में पढ़ा था, बट अब हमें डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। और डिस्काउंट जानने से पहले हम लोगों को दो प्राइस के बारे में पढ़ना है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस और एक होता है लिस्ट प्राइस। चलिए पहले डिस्काउंट प्राइस को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब एक फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट को देना हो गया तो वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है हमारे ट्रेडर्स के पास। कहाँ जाता है? हमारे ट्रेडर्स के पास जाता है, ठीक है। ट्रेडर्स मतलब स्टॉकिस्ट जो होते हैं, ठीक है। और उस ट्रेडर्स के बाद, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के से, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चलाती है, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो है जो फैक्ट्री में तैयार करके प्रोडक्ट को ट्रेडर्स को भेजते हैं, और फिर ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं? रिटेलर्स को भेजते हैं। क्या करते हैं? रिटेलर्स को भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट और रिटेलर्स क्या करता है? कंज्यूमर्स को देता है। किसे देता है? कंज्यूमर्स, जो कि हम लोग हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जब ये ट्रेडर्स को देती है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो क्या करती है? इसे लिस्ट प्राइस पे क्या करती है? लिस्ट प्राइस पे देती है। याद रखिए हमेशा की फैक्ट्री जो है, जब एक ट्रेडर्स को कोई प्रोडक्ट देती है तो वो उसे लिस्ट प्राइस पे देती है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ट्रेडर्स कोई भी प्रोडक्ट देती है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को मतलब हमारे पास एक पैक प्रोडक्ट होता है, अनपैक्ड प्रोडक्ट भी होता है। तो जो पैक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट जब भी इसे सप्लाई करेगा तो उस टूथपेस्ट पे, यहाँ पर एक टूथपेस्ट है, उस टूथपेस्ट पे पहले से ही एक प्राइस जो होता है उस पर एक टैग लगा होता है, या फिर प्रिंट लिखा होता है, ठीक है ना, या टैग लगा होता है। तो टैग लगा होता है और उस टैग पर जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं एमवी, वो क्या होता है? हमारा मार्क प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस जो होता है कंपनी जो कोई प्रोडक्ट जब ट्रेडर्स को देती है तो उस पर जो एक मार्क प्राइस का टैग लगा होता है वो एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए होता है। वो किसके लिए होता है? रिटेलर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिटेलर्स के लिए होता है। वो मैक्सिमम प्राइस है, मार्क प्राइस तो इज द मैक्सिमम प्राइस है, जिस प्राइस पे वो किसी भी चीज को, मतलब एक दुकानदार जो है वो किसी चीज को बेच सकता है, ठीक है। याद रखिए हमेशा मार्क प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे एक शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। लाइक टूथपेस्ट पे, अगर किसी टूथपेस्ट पे 50 रुपीज लिखा हुआ है, इट मीन उसका मैक्सिमम प्राइस 50 रुपीज है, और उससे हम मार्क प्राइस बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब मैक्सिमम प्राइस है। अगर टूथपेस्ट पे 50 रुपीज लिखा है, वो आपसे 51 मांग रहे हैं, तो आप देंगे क्या? नहीं देंगे, बिकॉज आप वहां पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि हम 50 लिखा हुआ है तो मैं उससे ज्यादा दूंगा नहीं। तो मार्क प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस, वो मैक्सिमम प्राइस है जिस पर एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। लेकिन वह फैक्ट्री जो है वो रिटेलर के बेचने के लिए मार्क प्राइस लगाती है, लेकिन वो डायरेक्ट रिटेलर को तो नहीं देती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो रिटेलर को अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं देती, वो किसको देती है? चाहे वो ट्रेडर्स को देती है, और ट्रेडर्स को मार्क प्राइस पर देती है? नहीं देती। वो क्या देती है? एक लिस्ट प्राइस देती है, ठीक है। याद रखिएगा, वो क्या करती है? ट्रेडर्स को लिस्ट प्राइस पर देती है और रिटेलर को मार्क प्राइस पर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस का अंतर आपको पता चल गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनपैक्ड जो पैक्ड मटेरियल्स है तो उसमें तो लिस्ट प्राइस मिल गया ट्रेडर्स को, और वो क्या करता है फिर वो अपना प्रोडक्ट रिटेलर को देता है, रिटेलर मार्क प्राइस को बेचते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए चीनी, अगर चीनी को पैक हो तो अक्सर मॉल में लेते हैं, पैक भी आते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट अगर देगा तो मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो क्या करेगी, इसे क्या करेगी, वो चीनी बेच देगी। तो ट्रेडर्स को उसने दिया लिस्ट प्राइस, और ये भी क्या करेगा, उसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ है, और फिर ये क्या करेगा, रिटेलर को देगा। ट्रेडर्स क्या करेगा? रिटेलर को देगा। तो वहां पर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिस्ट प्राइस और क्या कहते हैं मार्क प्राइस में वो सेम है, किस कंडीशन में, जो अनपैक्ड मटेरियल्स होते हैं उसके लिए। लेकिन जब आप पैक मटेरियल्स की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा कि पैक्ड आइटम जो होता है, एकदम सेल्ड आइटम जो होता है, जहाँ पर पैक होता है वहाँ मार्क प्राइस क्या
डिलर डील सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर डील का मतलब ट्रेडर्स डील का एंड ऑब्वियसली अब यहां जानते हैं कि मार्क प्राइस क्या होता है तो मार्क प्राइस जो है मैक्सिमम प्राइस जो है जिस प्राइस पर हम किसी प्रोडक्ट को मतलब कि कोई एक शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को बेचता है अब यहां ध्यान दीजिएगा हमेशा मार्क प्राइस के लिए ऑलवेज डिस्काउंट होता है डिस्काउंट उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बट्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं बट्टा बोलते हैं इसको जानी जाना चाहिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं तो ये मार्क का ये जो डिस्काउंट है ऑलवेज कहां मिलता है मार्क प्राइस पर मिलता है ठीक है अगर मान लीजिए अगर हम किसी शॉप कोई सामान खरीदते हैं हमारा कोई हम एक दुकानदार है हमारा किसी प्रोडक्ट का सीवी जो है 100 रुपीज है और अगर हम उस पर 20% डिस्काउंट दे दें तो हमें क्या हो जाएगा ऑनली सी बात है कि लॉस हो जाएगा तो ऑलवेज याद रखिएगा कि ये जो डिस्काउंट होता है ऑलवेज किसी पर दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है डिस्काउंट देने की जरूरत क्यों पड़ती है तो ऑलवेज याद रखिएगा इसमें कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा सेल सुनते होंगे सेल मॉल्स वगैरह में सेल लगता है कभी बड़े बड़े शॉप्स में भी सेल लगता है तो यहाँ पर सेल जो दुकानदार जो मॉल लगाती है वो एक्चुअली में क्यों लगाती है वो अपने ओल्ड स्टॉक्स को हटाने के लिए लगाती है कभी कभी कुछ ऐसा होता है प्रोडक्ट्स या डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं या फिर पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं फॉल्ट प्रोडक्ट्स का आ जाता है किसी प्रोडक्ट में या फिर पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो स्टॉक फंस जाता है दुकानदार का और सबसे बड़ी बात है उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रोडक्ट में तो वो चाहेगा कि अपने लॉस को या तो कम कर दे कभी कभी होता है किसी उसने 50,000 अपना इन्वेस्टमेंट दिया और होता है कि किसी किसी कंडीशन में उसका 50,000 का 50,000 जा रहा है तो वो क्या करेगा उस प्रोडक्ट को 25,000 में इन्वेस्ट करेगा क्या करेगा 25,000 चलो भाई अपने लॉस को कम कर दिया ठीक है तो ये तो हो गया कि मतलब अपने लॉस को कम करने का तो ये हम मार्क प्राइस इसलिए दिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट ये तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं इस पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है इसमें बेनिफिट मैक्सिमम बेनिफिट जो पहले से ऑलरेडी हो गया तो इसमें अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज उसका मार्क प्राइस है ठीक है और उसने उस रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रेडर से रिटेलर ने मान लीजिए कि ट्रेडर्स ने रिटेलर को 80 रुपये में सामान दिया तो 20 रुपया उसको बेनिफिट जा रहा है तो वो क्या करेगा अगर इसके पास अपना स्टॉक फंस गया इस दुकानदार ने इस रिटेलर ने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटर से 80 रुपये में सामान दिया ठीक है और उस दुकान उस प्रोडक्ट पे एमबी कितना लिखा हुआ है मार्क प्राइस 100 लिखा हुआ है तो वो उससे चाहे 81, 82, 83, 84 मतलब किसी 85 95 100 में बेच सकता है कि 100 से ऊपर नहीं बेच सकता है उस पर टैग लगा हुआ है 100 पर उससे ऊपर नहीं बेच सकता है तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि उसका अगर प्रोडक्ट फंस गया तो वो उसका जो मार्केट प्राइस है उससे वो क्या करेगा उसको कम में बेच देगा क्या करेगा वो चाहे 85 रुपये मेरा बेनिफिट जो है वो 5 रुपये में आ रहा है क्या करूँगा मैं 5 रुपये ही अर्न करूंगा बेनिफिट 20 रुपये नहीं करूंगा मैं 5 रुपये अर्न करूंगा 10 रुपये अर्न करूंगा 1 रुपये अर्न करूंगा या फिर मैं 80 नहीं बेच देता हूँ चलो मुझे ना अर्न ना लॉस ये भी हो तो ये जो होता है मार्क प्राइस एक्चुअली में क्यों क्योंकि मार्क प्राइस क्या होता है जो मैक्सिमम प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम क्या कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकते हैं और हमारा जो ओल्ड स्टॉक होता है जो स्टॉक फंस जाता है उस स्टॉक को क्या कर सकते हैं खाली कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके और उसी क्वेश्चन के बेस पर आपका ये पूरा ना पूरा एक्सरसाइज होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं डिस्काउंट 1,000 / 100 1,000 2,000 2,000
100, ओके। तो यहाँ पर हमारा एस टी इसको सो हो जाएगा एम पी माइनस डिस्काउंट, एम पी कितना होगा 1000 माइनस डिस्काउंट कितना होगा 100, मतलब 900 रुपीज में क्या करेगा किसी प्रोडक्ट को बेच देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो क्या करेगा, डिस्काउंट किसको मिलता है आपको, एमपी में मिलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मार्क प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट, और डिस्काउंट को जब हम मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी आपको डिस्काउंट और एसपी मालूम होगा, एमपी मालूम होगा, इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बिना किसी तो इसमें आपको डाटे की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से निकाल सकते हैं। जब एस पी दिया होगा एस पी फाइंड आउट करना the cost price and allows a discount of